सभी श्रोतागणों, जय श्री राम। इस चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों को मन में यह जरूर प्रश्न उठता होगा कि रावण का पुत्र इंद्रजीत आखिर किसका अवतार था? इतना वीर पराक्रमी योद्धा कोई राक्षस तो हो नहीं सकता, क्योंकि राक्षस भी हुआ होगा तो कोई श्रापित रहा होगा, किसी ने श्राप दिया होगा, क्योंकि रावण भी देवता ही था। पुराने कर्मों के फल के अनुसार उसे राक्षस की पदवी मिली थी। आपको बता दें, मेघनाथ अथवा इंद्रजीत रावण के पुत्र का नाम है। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग का विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मांड अस्त्र वैभव एवं वैष्णव अस्त्र तथा पशुपतास्त्र अस्त्र चलाने के कारण उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों तथा उनके द्वारा दी गई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए हुए स्वर्ग में देवताओं को हराकर अपने अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाद पितृभक्त था और रावण का पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान भी हैं, इसके बावजूद भी पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय है। जब उसकी माता मंदोदरी ने उसे यह कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले जाता है पुत्र, तब उसने कहा, हे माता, मैं पिता को ठुकरा कर अगर स्वर्ग में भी चला जाऊंगा तो वहां से भी मैं ठुकरा दिया जाऊंगा। और मेघनाद ने रावण और मंदोदरी को, सबसे ज्येष्ठ पुत्र था उनका, बड़ा पुत्र था, क्योंकि रावण का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था रावण, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर अमर और अजय हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनि देव ने 11वें स्थान से 12वें स्थान पर व्यय हानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनि देव पर पैर से प्रहार किया था। आपने रामायण में देखा होगा, जो नीचे पैर के नीचे एक मूर्ति रखी रहती है, वो शनि देव जी की मूर्ति थी। मेघनाथ के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। किशोरावस्था में 12 वर्ष की आयु होते होते इसने अपनी कुल देवी निकुंबला के मंदिर में जाकर अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तो वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाथ से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब शुक्र ने बताया कि मेघनाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया है। जब तक वह सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा, मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाथ अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र और शक्तियां सिद्धियां प्रदान कर दी। परंतु उन्होंने मेघनाथ को सावधान भी कर दिया कि कभी भूल कर भी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन न करें जो 12 वर्ष से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन कर रहा हो। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद मेघनाथ एक बार फिर से असुर गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने पूछा उसे आगे क्या करना चाहिए। तब असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत कठिन है। यही भी कहा जाता है कि मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी रावण पुत्र मेघनाथ और सूर्य पुत्र कर्ण के अतिरिक्त आदिकाल से ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव यज्ञ कर पाया हो।
देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया था और साथ ही रावण को सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु मेघनाथ ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाथ को रोक नहीं पाए। मेघनाथ ने न केवल देवताओं को पराजित किया अपितु अपने पिता के बंधन को खोलकर और इंद्र को अपनी बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। जब रावण जागा और उसने सारी कथा का ज्ञान हुआ तो रावण मेघनाथ से ने यह निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिए जाए। परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हो गए। उन्होंने मेघनाथ को आदेश दिया कि वह इंद्र को मुक्त कर दें। मेघनाथ ने यह कहा कि कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमरत्व का वरदान दे देंगे। इस तरह से उसने अमर होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी कुल देवी निकुम्बला के मंदिर में तुम यज्ञ करोगे और उस यज्ञ से जो तुम्हारे पास रथ प्रकट होगा उस पर अगर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। इस तरह से उसने अपने पिता का कार्य किया। दोस्तों, कुछ ऐसी भी दंत कथाएं मिलती हैं जो आपको बता दें कि रुद्र संहिता के अनुसार मेघनाथ किसका अवतार था। ये मैंने टॉपिक में आपको लिख दिया था तो बता दें, रुद्र संहिता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव शंकर को माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते वक्त उनके कानों में बिच्छू और उनके बेलपत्र और तथा इसके साथ साथ वो भांग और धतूरे का भी सारे उन्होंने उनका अलंकृत कर दिया। उसी समय उनके हाथों में जो आज के टाइम पर कलाई बांधी जाती है, तो कलाई ना होने के कारण वासुकी नाग को उनकी कलाई में बांधा और कलाई में बांधते वक्त उन्होंने जोर से ज़्यादा तेज से बंधन को टाइट बांध दिया, जिससे वासुकी नाग के आँखों से आंसू निकल आए। उन आंसुओं से दो कन्याओं का जन्म हुआ, एक का नाम सुलोचना और दूसरे का नाम सुनैना रखा गया। वह दोनों कन्याएं स्वयं भगवान शिव की पुत्री के समान थीं, इसलिए उन दोनों कन्याओं का पालन पोषण नागलोक में किया गया। नागलोक जहां पर वहां के राजा वासुकी जी हैं और उनके भाई शेष नाग जी हैं, तो वासुकी जी ने उनका पालन पोषण किया। और जब कन्याएं थोड़ा बड़ी होने लगीं तो एक नाग था जिसका नाम था संबर नाग, जो उन कन्याओं पर कुदृष्टि डालता था। इससे ज़्यादा क्रोधित होकर स्वयं वासुकी जी ने उस संबर नाग का सिर काट दिया था। वह सिर उड़कर जाकर मंदोदरी के गर्भ में स्थापित हो गया था, जिससे आगे चलकर वही मेघनाथ के रूप में जाना जाने लगा। और उसने वही निश्चय किया था मरने से पहले कि मैं तुम्हारी कन्या को जबरदस्ती हरण करके विवाह करूंगा। दोस्तों, उस समय वही मेघनाथ आगे चलकर संबर नाग जो था उसने सुलोचना से जबरदस्ती विवाह किया था। ये उस समय की बात है जब स्वयं शेषनाग जी अपने सिर पर पृथ्वी को धारण कर रखे थे और वासुकी जी भगवान शिव के सानिध्य में थे। उस समय इसने नागलोक पर कब्जा कर लिया था और शेषनाग जी अपने सिर से पृथ्वी को भार उतारने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको भगवान श्री विष्णु जी का पहले से आदेश था। तो स्वयं वहाँ पर शेषनाग जी ने भी निश्चय कर लिया था कि मैं कभी भी जीवन में अगर कभी भी नया अवतार लूंगा तो उस समय तुम्हारा मेरे ही हाथों से वध होगा। इसलिए उसी संबर नाग को स्वयं लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया। और जब स्वयं सुलोचना कहती है कि मैं अपने पिता को बुला लाती और इस लक्ष्मण से तुम हार गए
तो मैं अगर उनसे कहती तो मैं अपने पिता से सहायता ले लेती। तो उस समय तभी मेघनाथ जोर जोर से हंसता है, उसकी खोपड़ी जोर से हंसती है कि किस पिता को बुलाती तुम, वही तो पिता है जिन्होंने मुझे मारा है। क्योंकि वासुकी नाग की पुत्री और शेषनाग सगे भाई, इसलिए पिता ही कह जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से अवतार जो हुआ था, जिसको मैंने आपके सामने बता दिया है, ये रुद्र संगीता के किताब में मिलता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्यारे भक्तगणों, कथा ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। अगर इस पर आपको और भी आगे की जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझको इसके आगे की कथा भी सुनाएं, तो उसको भी सुनाऊंगा। तब तक के लिए, आप लोगों को यह वीडियो बनाने में बहुत समय लगा है और बहुत मेहनत से बनाया है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो घंटी दिख रही है इस निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज के रूप में दिखाई दे। चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।